जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगी घंटी को भी दबा दें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मेरा नाम है यश चाहर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्नो चाहर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme के एक लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है Realme 6। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कलर्स की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन हमें दो कलर्स में मिल जाता है। पहला है कॉमेट ब्लू, जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा कलर है, और दूसरा है कॉमेट वाइट। अगर कलर वाइज बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर डिज़ाइन वाइज बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है। अगर वेट की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन का वेट है 191 ग्राम्स। अगर राइट साइड की बात की जाए तो हमें राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और लेफ़्ट साइड में वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ हमें हेडफोन जैक, चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट और स्पीकर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर थिकनेस की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन हमें 8.9 mm की थिकनेस के साथ मिलता है। अगर फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में हमें 6.5 inches की फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो एक IPS पैनल के साथ आती है। अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें 19:5 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। इसी के साथ हमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमें फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। अगर कैमरा वाइज बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें बैक में 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो सैमसंग वाले सेंसर के साथ आता है। कैमरा सेटअप में हमें 64MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है जो कि 119° फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है, और मैक्रो शॉट के लिए हमें 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमें 2MP का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। अगर सेल्फी की बात की जाए तो सेल्फी के लिए हमें फ्रंट में 16MP का कैमरा देखने को मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और ये एक गेमिंग प्रोसेसर है। अगर UI की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें Realme UI देखने को मिलता है और साथ ही साथ Android 10 वर्जन भी देखने को मिलता है। अगर बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें 4300 mAh की एक बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी में हमें 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो लगभग एक घंटे में आपके फ़ोन को 0 से 100% चार्ज कर देता है। अगर प्राइस की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको 12999 में देखने को मिल जाता है, और 6128 वाला वेरिएंट 14999 और 8128 वाला वेरिएंट आपको 15999 में मिल जाता है। इन द एंड अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है, जो आपको 10 to 15,000 की रेंज में मिल जाता है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम एक और नए स्मार्टफोन का रिव्यू करेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगी घंटी को दबा दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट और स्मार्टफोन के रिव्यू कंपैरिजन देखने को मिलते हैं। अगर आप भी किसी नए स्मार्टफोन का रिव्यू कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उस स्मार्टफोन के लिए डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।